अंकल जी एक बार सामने भाई राजा उकल है उकल इधर आ जाइए आप आगे जाओ और हाँ जी सांसद साहब मदीना गांव के अंदर आप पहुंचे हो जिस तरीके से राजा सरपंच क्या पूरा गांव ही कहूँ लगातार लगा हुआ है कि गांव को जो चंडीगढ़ बनाने में लगे हुए हैं। आज भी आपने देखा जिस तरीके से बस सेंटर का जो है उद्घाटन किया और आप यहां पे मुख्य अतिथि के रूप में। नहीं अपना राजेश बहुत ही मेहनती आदमी है और पूरे गाँव के विकास के लिए 24 घंटे मेहनत करता है, 24 घंटे तत्पर रहता है और ऐसे ही लोगों को जनप्रतिनिधि बनना चाहिए जो गाँव के विकास की तरफ 24 घंटे ध्यान दें। उसी में सरकार को भी सहयोग करने में मज़ा आता है और हमारी सरकार का तो ये हमेशा ये सिद्धांत है 2014 के बाद से कि कोई भेदभाव नहीं, पूरे क्षेत्र को अपना एक घर समझ के पूरे इलाके की चाहे पूरा हरियाणा का किसी भी कोने का कोई भी गांव है सबकी मदद करते हैं मुख्यमंत्री जी और केंद्र की योजनाएं हैं वो भी सबके लिए हैं। मोदी जी की जितनी भी योजनाएँ हैं तो सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान सबके विश्वास के साथ और सबके प्रयास के साथ सारा जो है ना काम किया जा रहा है। तो आगे ना करिए ये काम में कोई बात नहीं। आज गांव में क्यू शेल्टर का जो उद्घाटन हुआ है बहुत शानदार बनाया है, मैं देख के आया हूँ इसको और इसी तरह से हम तो शुभकामनाएं देते हैं इनको, इसी तरह से अच्छे काम करते रहें, सहयोग सरकार की तरफ से पूरा गांव को रहेगा। जो भी विकास कार्यों की ये डिमांड करेंगे सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बहुत सारी डिमांडें रखी भी गई है आज। हाँ वो सब करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं।